इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग सो बिजनेस इज टिपिकली गो फॉर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग वन इज़ द एक्विटी फाइनेंसिंग एंड द अदर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज द डेट फाइनेंसिंग एक्विटी फाइनेंसिंग में आप जो इन्वेस्टर है उसको अपने बिजनेस का शेयर होल्डर हिस्सेदार बनाते हैं लेकिन डेट फाइनेंसिंग में आप हिस्सेदार बनाए बगैर कुछ जो आपकी ज़रूरत होती है बिज़नेस के लिए जितने भी आपको पैसे चाहिए आप उसके हिसाब से आप डेट लेते हैं और अपने वो जो मैन्यू आपने लिए है उसको आप अपने बिजनेस के एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो भी आपको ज़रूरत है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं और जब आप डेट ले रहे हैं तो उसके लिए जो जो आपको जो क्रेडिटर है जो आपको डेट दे रहा है उसके कोई टर्म एंड कंडीशन होंगे उसके साथ आप कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करेंगे अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेट लिया है तो उसके साथ में कोई रूल्स एंड रेगुलशन के तहत कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होंगी जिसकी बिना जिसके तहत आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे और उस मनी को इस्तेमाल करेंगे और फिर ही पे करेंगे कुछ वक्त गुजरने के बाद फॉर एग्जांपल अगर आपने नब्बे दिन के लिए कर्ज लिया है या एक महीने के लिए लिया है या छः माह के लिए लिया है या एक साल के लिए है तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में डेट फाइनेंसिंग के अंदर आप अपना शेयर नहीं दे रहे बिजनेस का आप कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करते हैं कि आप इन्वेस्टर का मनी इस्तेमाल करें मगर उसको उसके रिटर्न में कुछ बदला तय करते हैं कि ये मिलेगा मगर आप ओनरशिप में उसको शेयर होल्डर नहीं बना रहे या पार्टनर नहीं बना रहे ऑन द कॉन्फिडेंट एक्विटी फाइनेंसिंग में आप पार्टनर बनाते हैं आप ओनरशिप शेयर करते हैं सो दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन डेट फाइनेंसिंग एंड एक्विटी फाइनेंसिंग सो वेन वी लुक एट डेट फाइनेंसिंग इसमें बेसिकली आप मनी को बोरो कर रहे हैं और सेलिंग पोर्शन ऑफ द एक्विटी इन द कंपनी का मतलब है आप एकवटी फाइनेंसिंग कर रहे हैं बट डेट फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं करना पड़ता सो देर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेट फाइनेंसिंग एंड एक्विटी फाइनेंसिंग देर आर मोस्टली कंपनीज क्या करते हैं वो दोनों तरह की फाइनेंसिंग करते हैं यानी कि वो एक्विटी फाइनेंसिंग भी करते हैं और वो डेट फाइनेंसिंग भी करते हैं क्योंकि दोनों तरीकों के अपने फ़वाद और नुकसान हैं तो आप उनद को ज़्यादा करने के लिए वो एक्विटी के ऊपर भी जाते हैं एक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर भी जाते हैं और फिर डेट फाइनेंसिंग के ऊपर भी जाते हैं नाउ व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन गो फॉर डेट फाइनेंसिंग या डेट फाइनेंसिंग की क्या मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हो सकती हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि आपको अगर पैसे दरकार हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या रन करने के लिए और आप जो इन्वेस्टर है उसको अपने बिजनेस का शराक दार या पार्टनर या शेयर होल्डर नहीं बनाना चाह रहे और आप पैसे लेना चाह रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए ताकि हम उनको फिर वापस कर दें कुछ साथ में प्रीमियम या इंटरेस्ट रेट के तौर पे आप उनको वापस करेंगे तो वन ऑल्टरनेटिव या वन फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज डेट यू यू कैन इशू कारपोरेट बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटीज तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं वो डेट सिक्योरिटीज़ जारी करते हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड को जारी करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को बेच दिए जाते हैं आप फॉर एग्जांपल अगर उनको एक करोड़ रुपया चाहिए या पचास लाख रुपया चाहिए तो वो सौ रुपए के डिनोमिनेशन के के अंदर बॉन्ड्स को इशू करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और उनको स्टॉक मार्केट में जाके बेचा जाता है और उससे वो डिफाइन करते हैं कि हम अगर आप आके हमारे साथ में आ, अपने पैसे हमें दे दें और हमारे से ये पीस ऑफ पेपर ले लें विच इज़ अ बॉन्ड और अ सिक्योरिटी और इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट विद आस तो हम आपको एक सर्टन अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट आपको रिटर्न देंगे आफ्टर द मेचोरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट सिक्योरिटी और अ कारपोरेट बॉन्ड सो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप उनके साथ फिक्सड इंटरेस्ट रेट तयन कर लें या आप वेरिएबल इंटरेस्ट रेट तयन कर लें तो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस आपके पास हैं आप उसके मुताबिक अपने कॉरपोरेट बॉन्ड्स को या सिक्योरिटीज को इशू करते हैं और आप अपना मनी उठा सकते हैं जो भी आपकी ज़रूरत है दूसरा तरीका टू जनरेट डेट फाइनेंसिंग और द फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज द सिक्योर्ड डेट सिक्योर डेट का मतलब होता है कि डेट दो तरह की है एक है अनसिक्योर डेट दूसरी है सिक्योर डेट सिक्योर डेट वो होती है जिसके बैकेंड के ऊपर कोलेट्रल दिया जाता है सो so, आप सिक्योर डेट उठा सकते हैं आप उसके अगेंस्ट कोलेट्रल दें आप अपनी कोई शेयर्स को ऑफर कर सकते हैं या आप अपने कोई जो आपके पास कोई एस, कोई और फिजिकल एसेट्स हैं आप उनको प्लेज कर सकते हैं एज अ कोलेट्रल और उसके अगेंस्ट आप कोई डेट उठा सकते हैं जिसको आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोलेट्रल um, के लिए इट इज़ वी वी कॉल द डेट सिक्योर्ड बिकॉज जब आपने कोलेट्रल दिया हुआ है तो इन केस अगर कोई भी कंपनी uh, नहीं वापस दे पा सकती अपने डेट को uh, तो उसके अगेंस्ट वो कोलेट्रल उसकी सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है इसलिए पीपल फाइंड इट मोर कंफर्टेबल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइंड इट मोर कम्फर्टेबल एंड ईजी टू लैंड इफ द पर्सन हु इज टेकिंग द डेट कैन ऑफर आर कोलेट्रल ऑल्सो नाउ द थर्ड फॉर्म ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज द लॉन्ग टर्म लीजे सो अगैन आप क्या कर सकते हैं इफ़ यू है आप उन एसेट्स के अगेंस्ट लीज कर सकते हैं आप उनको लीज पे दे दें और उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो दिस इज अनदर वे ऑफ डेट फाइनेंसिंग और चौथा तरीका यह है कि आप पेंशन लाइबिलिटीज के ऊपर जा सकते हैं पेंशन लाइबिलिटी का मतलब ये है कि एनी करंट और फ्यूचर ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटीज के अगेंस्ट आप कोई um, और इन्वेस्टमेंट की इन इंस्ट्रूमेंट को जारी करते हैं जिसके अगेंस्ट आप मनी को जेनरेट कर सकते हैं और दिस इज अनादर वे ऑफ डेट फाइनेंसिंग सो टूगेदर देर कुड बी फोर डिफरेंट टाइप्स टू विच यू कैन जनरेट डेट फाइनेंसिंग एंड यू कैन कलेक्ट मनी एंड यूज इट फॉर यूर बिजनेस फॉर वॉट एवर रीजन आर देअर जिसके लिए आपको मनी दरकार